हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल माय जर्नी विथ यू में। तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने घर का थोड़ा डीप क्लीनिंग किया और बहुत ही ज़्यादा मकड़े के जाले हो गए थे। बहुत दिनों से घर में काम नहीं कर पा रही थी कि कपड़े सब जमा हो गए थे, मतलब पूरे के पूरे घर जो है ना बिखरी हुई थी पूरी, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सारा सामान। एक्चुअली में हो क्या रहा था कि मैं सुबह 7 बजे निकलती थी तो मुझे बस इतना ही टाइम मिलता था कि मैं ओरियो को खाना खिला सकूं और हल्का फुल्का मैं कुछ खा सकूं, और फिर मैं डायरेक्ट रात में 9 बजे आती थी। बीच में एक बार 1 घंटे के लिए आती थी बस ओरियो को खाना खिलाने और घुमाने के लिए, और ऐसा लगभग 10 दिनों से चल रहा था। तो इसलिए मेरे घर की यह हालत हुई है। और ऐसे भी कभी ना कभी घर की ऐसी हालत थोड़ी बहुत हो ही जाती है कि हमें लगे कि अब हमें पूरी तरह से, जैसे दिवाली की सफाई होती है ना डीप क्लीनिंग, वैसे सफाई करनी पड़ जाती है। तो ये देखो, जहाँ जो सामान रहता था बस वहीं रह जाता था, जो मैंने कुरियर रिसीव किया वो वहीं पड़ा हुआ है, जो भी मतलब जो भी सामान बाहर से आया वो वैसे ही है, लैपटॉप यूज किया तो वैसे ही रख दिया। और ये देखो इस रूम की हालत, इतना सारा सामान है ना इस रूम में, एक तरह से ये गोडाउन ही बना हुआ है। ये देखो ग्लूकॉन डी, इतने सारे कॉम्प्लान, और कपड़े भी बहुत सारे हैं कार्टन्स में, तो वो भी मैं अंदर अलमारी में डाल रही हूँ। ये घर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें सामान उतना नज़र भी नहीं आता है। नहीं तो बहुत सारा सामान मैंने ऊपर अलमारी में रख रखे हैं, फिर भी ये अभी निकाला हुआ है क्योंकि ये सब रिटर्न जाएगा, तो ये सब भी अभी ठीक करने हैं। तो मुझे करनी थी अपने घर की डीप क्लीनिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो आइए चलिए मिलकर करते हैं आपके साथ। तो यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ मैं सबसे ऊपर से, मतलब मैं पहले जितने भी झोल वगैरह हैं, जाले वगैरह हैं मकड़े के, वो सब झाड़ लूँगी। मेरे साथ साथ ओडियो भी काम कर रहा है यहाँ। सोफ़ा पे मैंने कोई कपड़ा नहीं डाला है इसलिए क्योंकि मुझे सोफ़ा की भी सफाई करनी है। वो मैं आज नहीं करूँगी, दूसरे दिन करूँगी, वो अलग से कर लूँगी, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है। पूरे घर की 3 BHK है ये, और हॉल इतनी बड़ी है इसकी, और बालकनी भी इसमें बहुत सारे हैं, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। इसलिए मैं किचन नहीं छूने वाली हूँ, किचन का जो रेगुलर काम होता है बस उतना ही करूँगी, और बाथरूम भी मैं नॉर्मल सफाई करूँगी, ये नहीं कि बाथरूम की डीप क्लीनिंग। यहाँ डीप क्लीनिंग में मैं बस सारे रूम की सफाई और जो भी मेरे सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं उसकी सफाई, और पलंग हो गए, ड्रेसिंग टेबल हो गए, पर्दे हो गए, वो सब झाड़ दूँगी, खिड़कियाँ वगैरह, दरवाजे वगैरह ये सब साफ़ करूँगी। तो मैं एक रूम की सफाई कर चुकी, जाले जितने थे हटा चुकी, अब मैं दूसरे रूम में आ गई। इसी तरह मैं बाकी रूम, हॉल, बरामदा, सार मतलब जो भी है, बालकनी वगैरह, साथ के साथ बाथरूम की भी सफाई कर ली। जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ है वो भी मैं हटा ले रही हूँ साथ के साथ, मुझे जो मतलब समझ में आ रहा है वो मैं करते जा रही हूँ, क्योंकि काम ही इतना है कि जो समझ में आए वो करते जाना है। तो यहाँ मैं फ़िलहाल एक कपड़े से सोफ़े को झाड़ रही हूँ, क्योंकि सफाई ऑब्वियसली मैं करूँगी सोफ़े की, लेकिन बाद में करूँगी। तो सारा एक एक चीज़ का डस्ट हटाना, डस्ट भी इतने दिनों में बहुत सारे हो गए हैं, और अभी मौसम भी ऐसा है ना कि आप खिड़की खोलो या ना खोलो पता नहीं डस्ट किधर से आ जाता है, समझ में ही नहीं आता है कि डस्ट कहाँ से आ रहा है। तो मैं हर एक चीज़ को एक बार डस्टिंग कर दे रही हूँ। ऐसे भी मेरे से डेली डेली डस्टिंग नहीं हो पाती है, मैं 2-3 दिन पे ही करती हूँ डस्टिंग, क्योंकि बाहर भी जाना हो, बाहर का भी काम हो और घर का भी काम हो, तो नहीं हो पाता है। और हमारी आदत भी ऐसी होती है ना कि मतलब जहाँ जो मतलब कंफर्टेबल जोन हो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा सामान रख देते हैं, जहाँ पे पहुँच हो वहाँ पे सामान ज़्यादा रख देते हैं। जैसे कुछ भी छोटा मोटा सामान आया बाहर से तो वो हम लोग यहाँ पे रखते हुए चले जाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे सामान की नीचे के रैक में, तो वो सब मैं हटा रही हूँ, क्योंकि नीचे के रैक में मैंने ज़्यादा शोपीस नहीं लगाया है तो इसलिए वहाँ पे जगह खाली रहता है, बस हम लोग वहाँ पे सामान ठूसते जाते हैं, तो वो भी मैं सब साथ के साथ हटा रही हूँ। और ये जो बॉटल में आपको लग रहा होगा कि ये कॉलिन है, तो नहीं जी, ये कॉलिन की बॉटल में मैंने DIY बनाया है क्लीनर, तो इसमें मैंने बस विनेगर, पानी और थोड़ा सा डिशवाशर यूज किया है, डिशवाशर लिक्विड यूज किया है,
तो इस तरह से मैंने बनाया। इसे मैं कहीं भी यूज करती हूँ, इससे सफाई भी बड़ी आसानी से हो जाती है और उतना कॉस्ट भी नहीं आता है सफाई पे, क्योंकि आप अगर रेगुलर ये सब करो तो कॉलिन वगैरह बहुत ही महंगा पड़ता है। तो मैं बस DIY ही बना लेती हूँ। और ये मैंने जो कपड़े मशीन में धुलने वाले हैं वो डाल दिए हैं धुलने के लिए। और ये देखिए, आलू प्याज एक दिन पहले ही आया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं था कि मैं रख सकूं। तो फ़िलहाल अभी मैं फ्री हूँ, तो अब मैं सारे काम ख़त्म करके ही कोई दूसरा काम हाथ में लूँगी। तो ये मैं TV भी लगे हाथ साफ करते कर करते दे रही मुझे हूँ। थोड़ी बोरियत फील होने लगी, तो मैंने सोचा कि गाना चला लूँ। और जब साउंड बॉक्स देखने गई तो वो डिस्चार्ज हो चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना TV चला लूँ, तो उससे पता भी चल जाएगी कि कैसी सफाई हुई है, क्योंकि TV चलने के बाद अच्छे से पता चलता है कि सफाई हुई है या नहीं, ऐसे तो ब्लैक ब्लैक सिर्फ दिखता है। तो गाना चला के मैं आ गई मस्ती में, और उसके बाद मैंने ट्रेडमिल वगैरह साफ़ करना शुरू किया। ट्रेडमिल पे मैं चढ़ के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले बच्चे लोग आए थे तो उन्होंने ट्रेडमिल का यूज किया था, तो इसलिए ये खुला हुआ था। तो मैंने सोचा पहले सफाई कर लूँ, फिर मैं इसे उठाऊँगी। तो ये देखिए, ओडियो तो मेरे पीछे लगा ही रहेगा, उसे बिल्कुल मन नहीं लगता, अगर मैं कुछ काम करूँ तो वो ज़रूर आएगा। और ये मैं आ गई फ़ैन साफ़ करने, और फ़ैन बंद करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि फ़ैन चल ही रहा है। कितना भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसे रोक लूँ, लेकिन ये मान नहीं रहा है। इसकी पंखी है ना, बार बार घूम रही है घूम रही है। तो वैसे में ही मैं साफ़ कर रही हूँ, आप लोग ये ना सोचे कि ये चल रही है। तो ये देखिए, जैसे ये वाली बिल्कुल शांत है, वो शांत ही नहीं हो रही थी, थोड़ा सा भी छूने पर वो घूम जा रहा था बार बार। तो आ गई मैं ये सारे रूम की, फैन पर्दे को मैंने बस एक टॉवल लेकर अच्छे से झाड़ दिया है, क्योंकि पर्दा मेरा उतना गंदा था नहीं और फिलहाल ही मैंने धोया था, तो बार बार मुझे पर्दा धोना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उसके वो जो गोल्डन कलर के लगे होते हैं ना, वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे बार बार पर्दा मैं नहीं धोती। तो सारे बेडशीट भी मैं हटा लूँगी धीरे धीरे करके, और कपड़ों का जो ढेर है वो मैं सारे साफ़ नहीं करूँगी, कुछ कपड़े मैं साफ़ करूँगी जो कि मशीन में हो सकते हैं, मैं बस वही करूँगी। और बाकी जितने भी कपड़े हैं वो मैंने एक अलमारी में बंद कर दिया है, फ़िलहाल एक जगह रख दिया है। धीरे धीरे मैं जब मुझे टाइम मिलेगा तो आयरन करते जाऊँगी और धोते जाऊँगी। तो ये देखिए, अब मैं सारा खिड़की साफ़ कर लूँगी। पहले मैं अच्छे से सूखे कपड़े से उसे झाड़ लूँगी, DIY क्लीनर लेकर अच्छे से उसकी सफाई कर दूँगी। तो सारे कपड़े मैंने अलग अलग रखे हैं, सूखे रखे हैं झाड़ने के लिए, डस्ट वगैरह हटाने के लिए वो अलग रखे हैं, और जब क्लीनर की यूज आती है तो वो कपड़े अलग रखें, नहीं तो दाग लग क्या जाएंगे। आपको भी लगता है कि घर के काम जितने भी करो ख़त्म ही नहीं होते हैं? मेरी तरफ मतलब मुझे लगता है ना कि जैसे आज मैंने झाड़ू लगाया तो फिर कल से सेम काम करना है, और कोई काम हो तो लोग ना भी करे तो चलता है, लेकिन घर का काम ऐसा होता है कि रोज़ करना ही करना है, झाड़ू हो बर्तन हो, मतलब आपने आज सुबह किया है तो फिर शाम में भी करना है आपको, सेम काम रिपीट रिपीट रिपीट, तो थोड़ा बोरिंग होते जाता है। तो इस अभी तो फ़िलहाल म्यूजिक लगाने से मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है काम करने में, नहीं तो बहुत बोरिंग लगता है। इतना सारा काम देख के ही मैं घबरा गई थी पहले, तो फिर मुझे मैंने खुद को मोटिवेट किया कि नहीं करना चाहिए सारा काम ख़त्म, क्योंकि घर साफ़ रहेगी तो थोड़ी पॉजिटिविटी भी आती है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए मैं घर को अच्छे से डीप क्लीन करने का सोची। ऐसे भी दीपावली के बाद, आपको होली के बाद या होली के पहले एक बार ज़रूर फील होता है कि अभी बहुत सारे चीज़ों का डिक्लटर करना है, घर की सफाई करनी है, जैसे दीपावली में हमने की थी लगभग वैसे ही करनी है। तो ये चीज़ हम सब लोगों को फील होता होगा, शायद आप लोगों को भी फील होता होगा, अगर फील होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपने घर में ज़्यादा मतलब डेकोरेटिव आइटम जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि उसे मेंटेन भी करना होता है, सिर्फ रखने से नहीं होता है, उसे मेंटेन भी अच्छे से करना होता है। अगर जैसे कि बेड पे आप चाहते हो कि 4-5 कुशन रहे, तो आप उसे मेंटेन करो। एक तो मेरे घर में ओडियो है जो कि सारा कुशन चबा जाता है, तो इसलिए भी हम लोग नहीं रखते हैं। और रही बात डेकोरेटिव आइटम की, तो क्या होता है कि अभी हम लोगों ने 3 BHK ले रखा है, और कोई ठीक नहीं है, इन फ्यूचर हमें 2 BHK लेना पड़े, या फिर हो सकता है हमें बाई चांस 3 BHK भी मिल जाए। तो ये जो रेंट का घर है ना, इसमें कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं, तो
तो इसलिए मैंने सामान ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं की है कि अगर हमें मूव करना हो 2 BHK में तो भी हम एडजस्ट कर पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस के चलते हमारा सामान बहुत ज़्यादा है और इनका जॉब भी है, उसमें भी बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह आते रहते हैं, बहुत सारे इनके स्टडी मटेरियल आते हैं, तो वो सब भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हम लोगों को रखने के लिए। तो अब मेरी सफाई हो चुकी है पूरी, तो देखिए रूम का लुक कितना अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन लग रहा है पूरा, और शाम भी हो गई है साफ़ करते करते, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है अगर आप डीप क्लीनिंग करने लगो तो, हर एक जैसे कि पोछा लगाना 2 बार, मैंने एक बार सर्फ से पोछा लगाया, फिर एक बार नॉर्मल पानी से पोछा लगाया। पता नहीं वीडियो मैंने शूट किया था लेकिन ज़्यादा शूट नहीं हो पाया, पता नहीं मेमोरी फुल हो गई होगी या कुछ और हो। तो ये देखिए एक लुक सफाई के बाद की। बालकनी भी धोई थी, उसका भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और बाथरूम वगैरह का तो मैंने रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि जल्दी में थी। और ये देखिए ये इस दूसरे रूम का लुक, सारे जो भी सामान बिखरे पड़े थे वो सब सब मैंने हटा दिए और कुछ भी नहीं है बाहर। किचन मैंने नॉर्मली जैसे मैं डेली करती हूँ बस वैसे ही किया है। और ये इस रूम की हालत थोड़ी अभी भी है बिगड़ी हुई, लेकिन मैं यहाँ का सामान हटा नहीं सकती थी इसलिए बस ये एक जगह रख दिया गया है सामान। 1-2 दिन में जब ये सामान हट जाएगा तो इस रूम को और अच्छे से क्लीन कर दूंगी एक बार फिर से। तो वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। थैंक